हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से ब्लाउज की कटिंग करना। तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा। तो ये हमने अस्तर का कपड़ा है, जितना हमारा मेजरमेंट आता है उसके हिसाब से हमें बिछा लेना है और पीछे की साइड हमें बाजू की तरफ छोड़ देना है। तो ये देखिए, जो आप जिस ब्लाउज के नाप से बना रहे हैं तो आप अपने ब्लाउज बगल में रख सकते हैं या तो उसका मेजरमेंट आप लिख कर रख सकते हैं। ये देखिए जितना मेजरमेंट आ रहा है, 9.5 इंच, 8.5 इंच, क्योंकि सबका साइज एक जैसा नहीं होता है। तो ये देखिए, पहले ब्लाउज में अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अगर ब्लाउज में कटिंग अच्छे से हो जाती है तो हमारा पूरा ब्लाउज अच्छे से बनता है। तो ये देखिए, ब्लाउज हमें इसकी लंबाई चाहिए 12 इंच, तो नीचे की साइड हमें कपड़ा सीधा ही रखना है। तो ये देखिए, नीचे की साइड हम कपड़ा सीधा रखेंगे और 13 इंच पे हम निशान लगा देंगे। तो ये देखिए, हमने निशान लगा दिया है। शोल्डर हम रखेंगे 5 इंच और मोल की तरफ रखेंगे हम 6 इंच। तो ये देखिए, तो आप 5 भी रख सकते हैं, क्योंकि आर मोल की तरफ हमें छटाई करनी पड़ती है। तो ये देखिए, टक्स का निशान लगा देंगे नीचे की साइड हम। तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, ये पीछे की साइड का है। तो ये देखिए, तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा, बहुत ही आसान तरीके से हमने कटिंग किया हुआ है। तो फिटिंग का नाप जितना आता है उतने पे लगा दीजिएगा। तो इसकी हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद आप पूरा प्रोसेस देखना, बहुत ही आसान तरीका है कटिंग करने का। तो ये देखिए, हमारा पीछे का साइड कटिंग हो गया है, तो हम आगे की साइड को कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, जो खुलता साइड है हम अपनी तरफ रखेंगे पीछे का कपड़ा और इस तरह से निशान लगा लेना अच्छे से। तो ये देखिए, हमारा निशान लग चुका है। उसके बाद हम बेल्ट के लिए कपड़ा निकालेंगे, तो 3 इंच भी रख सकते हैं, 4 इंच भी रख सकते हैं। तो मैं तुरपाई वाला बना रही हूँ। तो ये जहाँ पे हमने निशान लगाया हुआ, जहाँ पे हमारा निशान लगा हुआ है वहाँ से हम कटिंग कर देना है इस तरह से। आप तो इस तरह से हमें कटिंग कर देना है, तो इस साइड भी हमें कटिंग कर देना है। तो हमने कटिंग कर लिया है, तो हम टक्स का निशान लगाएंगे, तो आप लोग देख सकते हैं। तो हमने कपड़े को अलग कर लिया है, टक्स का निशान लगाएंगे। तो हम 6 इंच पे गला रखेंगे आगे के साइड का। तो ये देखिए, आप और आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। तो अब मैं 6 इंच रख रही हूँ। तो ये देखिए, 13 इंच पे हम, इसकी साइज छोटी है तो 12 इंच पे भी लगा सकते हैं, तो 13 इंच पे लगा सकते हैं। तो मैं 13 इंच पे ही कटिंग करती हूँ, क्योंकि जो कपड़ा होता है हमारा बेल्ट का, तो आधा आधा इंच ज्वाइंट हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होता उससे। तो ये देखिए आप लोग, तो ये देखिए, हमने सारा कटिंग कर दिया हुआ है। उसके बाद हम टक्स का निशान लगाएंगे। टक्स का निशान हम 2-2 इंच पर लगाएंगे, तो आप लोग देख सकते हैं। और पूरा ब्लाउज का जो प्रोसेस है ना, बहुत ही आसान तरीके से हमने बताया हुआ है। तो इस तरह से रखते हैं जाना है 2-2 इंच पे, उसके बाद हमें कटिंग कर देना है। तो ये देखिए, हम गले की कटिंग करेंगे अब, क्योंकि मेन चीज़ हमारा अस्तर होता है। जब अस्तर पे अच्छे से कटिंग हो जाता है तो ब्लाउज भी हमारा अच्छे से बनता है। तो ये देखिए, हमारा कटिंग हो गया है। तो दोनों साइड हमें अच्छे से निशान लगा लेना है। तो निशान लगाने के बाद हमें अच्छे से रख लेना है। उसके बाद हमें कपड़े पे कटिंग करना है। तो आप लोग देख सकते हैं, वीडियो में पूरा बने रहिएगा। तो ये बाजू का कपड़ा है, तो बाजू को आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना लंबा और चौड़ा चाहिए। तो मुझे जितना चाहिए मैं उतने पे निशान लगा दे रही हूँ। तो ये देखिए, मैं जो नाप है उसमें देख ले रही हूँ कितना नाप आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो ये देखिए, 1/2 इंच हम आगे की साइड इस तरह से निशान लगा देंगे, क्योंकि हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। तो और हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो आपको बाजू जितना लंबा चाहिए उतना आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, तो ये देखिए, हमने निशान लगा दिया है। यहाँ से हम गहराई देते हुए कटिंग करेंगे।
तो बाजू की भी कटिंग हमारी हो गई है। तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिया, उसके बाद कटिंग कर देना है। तो ये देखिए हमारी कटिंग हो चली है। तो यहाँ से तिरछा करने से क्या होता है कि थोड़ा बहुत हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा ही रहना चाहिए। तो ये देखिए जितना नाप आ रहा है उससे 2 इंच छोड़कर हमें सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगा देना है। तो ये देखिए हमारा बाजू का कटिंग हो गया है। हम हल्का से कट लगा देंगे यहाँ पे। तो आगे का जो पल्ला हमारा तैयार हो गया है उसके बाद हम मेन कपड़े पर कटिंग करेंगे। तो ये देखिए सारे पल्ले हमारे तैयार हो गए हैं। ये हमारा कपड़ा है तो कपड़े को हम अच्छे से रख कर बिछा लेंगे। कपड़ा क्या होता है कि ना बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत सरकता है, तो अच्छे से हम सेट कर लेंगे। नीचे की साइड देख लेना है कहीं कपड़ा बटर वटर नहीं है, अच्छे से देख लेना है। तो ये देखिए उसके बाद हमें कटिंग कर देना है। इससे क्या होगा कि हमारा ज़्यादा हमें कपड़े में जो है ना बहुत ज़्यादा छटाई नहीं करना पड़ेगा। तो ये देखिए उसके बाद हमें कटिंग कर देना है। तो ये पीछे के साइड हमारा जो है कटिंग हो गया है, उसके बाद हम आगे की साइड का कटिंग करेंगे। तो ये देखिए